चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। 311 उपवास आराधिका महासती श्री मोहन मालाजी महाराज साहेब जी का आज पुण्य स्मृति दिवस है और आज उनके पुण्य स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में मोतीनगर के एसएस जैन सभा में मंगल पाठ का आयोजन किया गया। यह मंगल पाठ का आयोजन निरी ज्योति जी महाराज साहेब ठाणे 3 के सानिध्य में किया गया। तो आइए चलिए महाराज साहेब से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आज के जो ये मंगल पाठ हुआ है और महाराज साहेब से जीवन के जुड़े कुछ बातें हम जागृति जी महाराज साहेब से जानते हैं। मथे मन्ना महाराज साहब, महाराज साहब आज मोहन मालाजी महाराज साहेब का पुण्य स्मृति दिवस है, क्या कहेंगे? हमारे तपाचार्य तपचक्र श्री ऊपरवर्तनी गुरनी मैया महासाध्वी श्री मोहन मालाजी महाराज साहब का आज पुण्य स्मरण दिवस है। देखिए बंधुओं, स्मरण उन्हें ही किया जाता है जो इस दुनिया में कुछ विशेष काम करके जाते हैं। उन्होंने 311 उपवास किए और लाखों लोगों का उद्धार किया। जैन चैरिटेबल बड़े बड़े हॉस्पिटल उन्होंने खुलवाए और जो गरीबों को बहुत सारा सहूलत उनको हो, आराम मिले, ऐसे बहुत सारे काम किए। मतलब मेरे पास कुछ शब्द नहीं है उनकी महानता का व्याख्यान करने के लिए कि देवता भी उनको नमन करते थे। केसर की वर्षा होती थी उनकी तपस्या से खुश होकर के। मानसरोवर पार्क में उन्होंने अपने जीवन के काफ़ी वर्ष बिताए और उनकी सभी महान साध्वियाँ उनका बहुत ज़्यादा सम्मान आदर करती, उनकी बहुत सेवा करती हैं। महान सती श्री पुण्य ज्योति जी महाराज साहब उनकी ज्येष्ठ श्रेष्ठ शिष्या जो उनके नाम को प्रचार प्रसार करती हैं, बहुत ज़्यादा उनके प्रति अत्यंत समर्पण के भाव से हम सभी उनकी प्रपौत्र शिष्याएं हैं। तो आज हम उनको बहुत याद करते हैं क्योंकि महापुरुषों का कभी मरण नहीं होता है, उनका तो सदैव स्मरण होता है। तो हम उनको स्मरण करेंगे, हम उनको वंदन करेंगे, नमन करेंगे, अभिवादन करेंगे कि उनकी छत्र छाया उनकी कृपा हम सभी पर हमेशा बरसती रहे। प्रवेश माला ये सुंदर परिवार है, सुंदर बगिया है, इस बगिया का कभी भी कोई भी फूल हमेशा खिलता रहे, सुगंधित बिखेरता रहे। जिस तरह से उन्होंने अपने सद्गुणों से सुगंध बिखेरी है, इसी तरह से हे गुरनी मैया हमें भी शक्ति देना कि हम भी इसी तरह आपके जो आपका मानवता का एक मिशन था वो मानवता का मिशन ये जागृति मिशन भी चला पाए और एक कदम मानवता की ओर मैं भी आगे बढ़ पाऊँ। जिस तरह से आपने लाखों लोगों का उद्धार किया, जैसे आपकी वचन सिद्धि आपके अंदर थी हे गुरनी मैया, वो सारी की सारी काबिलियत जो आपके अंदर थी उन सब काबिलियतों को, आपके सद्गुणों को, आपकी महानताओं को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ, आपको याद करती हूँ, आपको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ, आदर से समर्पित आपके श्री चरणों में। ओम शांति, ओम शांति। महासाध्वी मोक्षा जी महाराज साहब यहाँ पर विराजमान हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मथे मन्ना महाराज, हमारी वो तपाचार्य तप चक्रेश्वरी जी महाराज वो हमारी दाद गुरनी जी थे, उनकी जुबान में इतनी लब्धि थी कि उनके जो भी चरणों में आता था अपने दुख दर्द दूर करके जाता था और वो बहुत लंबी लंबी तपस्या करते थे। उन्हीं से ही हमें प्रेरणा मिली। मैंने 31-36 बहुत मतलब 4-5 मास खमन किए, हमारे पूरे ग्रुप ने ही ये मास खमन किए हैं। मैं उन्हीं की उनसे यही दुआ चाहती हूँ कि वो कृपा अपने ऊपर भी हम पे यही बरसाई रखें और हमेशा ऐसे ही हमें तप में तपस्या में आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। तब सूर्य साध्वी श्री निधि ज्योति जी महाराज साहब यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। मथे वन्ना महाराज, हेलो, गुरनी जी के चरणों में नमन वंदन। कभी भी मैं सोच नहीं सकती थी कि मैं इतने व्रत करूँ, तो उनकी कृपा से मैंने इतने व्रत किए हैं। मैंने उनको कहा, महाराज साहब को बोला कि मुझे तपस्या करनी है, एक बार मास खमन हो जाए मेरा, तो गुणा ने इतना आशीर्वाद दिया मुझे, मास खमन क्या मैं आगे आगे बढ़ती रही। उन्होंने बहुत अच्छी तरह मुझे आशीर्वाद दिया, पहले मास खमन किया, फिर उसके बाद मेरी लड़की बनती गई, 52 उपवास किए, फिर 31 उपवास किए, 51 उपवास किए, 50 उपवास किए, आगे से आगे मैं बढ़ती रही। उनकी कृपा का फल है सारे, आज भी हमारे दिल के अंदर है वो, आज भी उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, जहाँ पी रहे हैं वो अच्छी तरह। तू सबके दिल में है, तू इस महफिल में है, तू सबके दिल में चक्रेश्वरी ऊपरवर्तनी गुणी श्री मोहन मालाजी महाराज की जय।
तो जैसा कि आपने देखा कि महासत्य श्री मोहन माला जी महाराज साहब जी की पुण्य स्मृति बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मनाई गई, मंगल पाठ का आयोजन किया गया। हम आपके लिए ऐसे ही अपडेट्स लेकर आते रहेंगे, देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी।